हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू रेडियो मेरी आवाज़ 2.0। तो शाम के 7 बज गए हैं और वक्त हो चला है आज की कहानी का। तो आज की कहानी है ब्रायन एंडरसन की। एक दिन ब्रायन ने एक बुज़ुर्ग औरत को सड़क के किनारे खड़े देखा। शाम हो चुकी थी और बहुत ही धुंधली सी रोशनी थी, पर वो देख सकता था कि उस बुज़ुर्ग औरत को मदद की ज़रूरत है। वह अपनी गाड़ी से बाहर खड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि इस ठंड में और हल्की सी बूंदाबांदी में वह बहुत बुरी तरह ठिठुर रही थी। ब्रायन उसके पास पहुंचा और पूछा कि क्या आपको कोई मदद की जरूरत है। उस बुजुर्ग औरत ने मुस्कुराते हुए ब्रायन की तरफ देखा, लेकिन कुछ परेशानी से। वो औरत सोचने लगी कि 1 घंटे से भी ऊपर का समय हो चुका है और वह वहां खड़ी थी, किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। अब ये आदमी आया है और क्या ये सेफ होगा, क्योंकि ये भूखा भी लग रहा है और गरीब भी, कहीं ये मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। ब्रायन भी उस बुजुर्ग औरत का चेहरा देख के समझ गया कि शायद ये डर रही है, और डरे भी क्यों ना, मौसम खराब और सड़क भी सुनसान, इस बुजुर्ग औरत की जगह कोई भी हो उसका डरना भी वाजिब था। ब्रायन ने जब दोबारा वह उस बुज़ुर्ग औरत से बात की तो उसने ब्रायन को बताया कि उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और वो उसको बदल नहीं पा रही है। तो ब्रायन बोला कि मैम आप गाड़ी के अंदर बैठो, टायर मैं बदल देता हूँ, आप इतनी ठंड में बाहर रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी, और आप बिल्कुल परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह कहते हुए ब्रायन ने गाड़ी के जैक को सही से लगाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि इस बुज़ुर्ग औरत ने तो शायद खुद टायर बदलने की कोशिश की होगी और जैक को गाड़ी के काफ़ी अंदर फंसा दिया था। खैर ब्रायन ने गाड़ी का टायर बदल दिया, पर इस दौरान उसके सारे कपड़े मैले हो चुके थे, हाथ पे भी थोड़ी सी चोट भी लग गई थी, और बुज़ुर्ग औरत को भी अब लगने लगा था कि ब्रायन एक भला आदमी है, भला इंसान है। उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया और ब्रायन से बात करने लगी। उसने बताया कि वो सेंट लुइस से है और वो यहाँ से गुजर रही थी कि तभी ऐसा हो गया। उस बुज़ुर्ग औरत ने बताया कि वो कितनी परेशान थी और कहा कि वो ब्रायन की इस मदद का एहसान वो किसी भी तरह उतार नहीं सकती। अब यह सुनकर ब्रायन केवल मुस्कुराया और टायर का आखिरी नट टाइट किया, पंचर टायर को वापस डिग्गी में रखा और आकर मुस्कुराते हुए उस बुज़ुर्ग औरत से कहा कि मैम आप आगे जाएंगी तो किसी पंचर वाले से पंचर लगवा लीजिएगा। अब बुज़ुर्ग औरत ने ब्रायन से कहा कि देखो ये समय ऐसा था कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, तुम आए, तुमने मेरी मदद की, यह एहसान मैं कभी भुला नहीं सकती। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, तुम्हें कितने भी पैसे की ज़रूरत हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें देती हूँ। ब्रायन कुछ देर सोचा और बोला कि मैम देखो ये मेरा काम नहीं है, मैंने तो केवल आपकी मदद करने की नीयत से इसको किया, और ईश्वर जानता है कि बहुत सारे लोगों ने पहले कभी मेरी भी मदद की है। ब्रायन आगे बोला कि अगर सही में आप किसी के लिए कुछ करना चाहती हैं तो जब आपको कोई ज़रूरतमंद दिखे तो मेरे बारे में सोचकर उसकी मदद कर दीजिएगा। बुज़ुर्ग महिला ने ब्रायन का शुक्रिया अदा किया और अपने रास्ते पे जब थोड़ा ही आगे चली तो कुछ ही मील दूर उसे एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखाई दिया। वो एक पेट्रोल पंप के साथ था। अब बुज़ुर्ग औरत को भूख भी लगी थी और पेट्रोल भी डलवाना था, उसने सोचा यहीं पर टायर का पंचर भी लग जाएगा। उसने गाड़ी बाहर मैकेनिक को दी और अंदर कैफेटेरिया में चली गई। बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट था, खाली सा था। उसने जैसे ही अपना पहला कदम अंदर रखा तो एक वेट्रेस उसके पास आई और उसने मुस्कुराते हुए उसको एक सूखा टॉवल दिया, बोली मैम आप पहले अपने गीले बाल सुखा लें क्योंकि आज बहुत ठंड है, आप कहीं बीमार ना पड़ जाएं। फिर उसने बुज़ुर्ग औरत से खाने का ऑर्डर लिया और जब वह खाने को लेकर आई तब उस बुज़ुर्ग औरत ने नोटिस किया कि वेट्रेस तो कम से कम 8 महीने की एक प्रेग्नेंट औरत है। उस बुज़ुर्ग औरत को समझ में आ गया कि इसको कहीं ना कहीं कोई तो परेशानी ज़रूर होगी, तभी वो अभी तक प्रेगनेंसी के इस महीने तक
मेहनत कर रही है कुछ कमाने के लिए, और इसको कितने कष्ट हो रहे होंगे, इसके बावजूद भी इसने अपने चेहरे पर अपनी मुस्कुराहट को जाने नहीं दिया। तभी उस बुजुर्ग औरत को ब्रायन की याद आई। उसने कुछ सोच के अपने सामने जो $4 का बिल आया था उसको पे करने के लिए वेट्रेस को $100 का नोट दिया। वेट्रेस उसको खुलवाने के लिए काउंटर पे गई और जब वापस आई तो उसने देखा कि वह बुजुर्ग औरत तो जा चुकी थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी टिप तो कोई भी नहीं देता। तभी उसकी निगाह टेबल पर नैपकिन पर पड़ी जिस पे कुछ लिखा हुआ था। उसने आश्चर्य से उसको उठाया तो देखा कि नैपकिन के नीचे पांच छह नोट जो हैं $100 के और पड़े हैं। उस नैपकिन पे जो लिखा हुआ था उस बुजुर्ग औरत ने लिखा था कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही हूं, आज मेरी भी किसी ने मदद की है और मुझे कहा था कि अगर कोई भी जरूरतमंद मिले तो मैं उसकी मदद करूं, इसलिए मैं तुम्हारी कर रही हूं। अब तुम इस चेन को टूटने मत देना। तुम भी आगे जब किसी जरूरतमंद को देखो तो उसकी मदद जरूर करना। वेट्रेस की आंखों में पानी आ गया। उसको इन पैसों की सही में बहुत जरूरत थी। अगले महीने उसकी डिलीवरी ड्यू थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि पैसों का इंतजाम कैसे होगा। वो और उसका पति बहुत मेहनत कर रहे थे पर सारा खून पसीना एक करने के बावजूद इतने पैसे उनसे जमा नहीं हो पा रहे थे कि वो किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर डिलीवरी करवा पाए। पर आज जैसे चमत्कार हो गया। उसने अपने दिन का काम खत्म किया, घर पहुंची तो आज वो बहुत सुकून में थी। अब उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसका बच्चा कहां पैदा होगा। ये सोचते सोचते वो बिस्तर में अपने पति के बराबर में जाकर लेट गई और बड़े प्यार से अपने पति का माथा चूमकर धीरे से बोली, ब्रायन आई लव यू। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। यू डू गुड यू विल गेट द गुड इन रिटर्न। सो ऑलवेज बी हेल्पफुल। आपके सत्कर्म निश्चित ही आपके सामने जल्द नहीं तो देर से आएंगे तो जरूर। तो आज के लिए इतना ही। बाकी कल शाम को फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे रेडियो मेरी आवाज़ पे, और आप सुनते रहें रेडियो मेरी आवाज़ 2.0।